दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, लेकिन उस दरमियान कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर ये आ रही है, बताया जा रहा है कि कई लोगों को पुलिस ने एक कैंपेन चलाते हुए गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे बताया जा रहा है कि फर्जी मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए जा रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है वो उनके निर्वाचन कार्ड के ऊपर नाम जो है वो दूसरा है, और उसको लेकर जो है वो फर्जी वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं चल रही थी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के यूपी तक के हवाले से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि यूपी में निकाय चुनाव चल रहा है, उस दरमियान कई ऐसे तस्वीरें, कई वीडियो सामने आपको देखने को मिले कि कैसे। उसके बाद में आपको एक खबर और बताऊंगा, जहां पे ये आरोप लगाया गया है एक महिला द्वारा कि बीजेपी के जो वर्कर है, बीजेपी के जो लोग हैं पोलिंग बूथ में, वो जबरदस्ती जो है वो वोट डालने के लिए बीजेपी को कह रहे हैं, जिसको लेकर एक महिला ने आरोप लगाया है, वो भी खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप यूपी तक की ये खबर देखिए, जिसमें लिखा ये गया है, मऊ नगर पालिका क्षेत्र के फैजान मदरसा के मतदान केंद्र पर पुलिस ने पकड़े फर्जी मतदाता। डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया केंद्र का निरीक्षण। आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड में नाम अलग अलग पाए जाने पर हुई कार्रवाई। फर्जी आधार कार्ड पाए जाने पर भी हुई कार्रवाई। मामला जो है वो यूपी का है, जहां पे किस तरीके से फर्जी वोटर जो है वो घूम रहे थे और फर्जी वोट पड़ रहा था। जैसा कि आपको बता दूं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका आधार कार्ड अलग होता है और उनका निर्वाचन कार्ड अलग होता है, जो वोटर आई कार्ड होता है वो अलग होता है, वही मामला यहाँ पे भी देखने को मिला, जिसको लेकर पुलिस ने एक कैंपेन चलाया, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने इस खबर को ट्वीट करते हुए इस वीडियो को बताया है, और ये महिला क्या बता रही है, ये जरा आप सुन लीजिए कि कैसे बीजेपी के वर्कर जो है वो जबरदस्ती भाजपा में वोट डालने के लिए कह रहा है। उर्मिला सिंह कहाँ से आई आप? हैं मतलब अंबेडकर नगर से। क्या हुई घटना अंदर? आप हम मतलब वहाँ मतदान डालने के लिए गए, हाँ? तो वहाँ एक लड़का खड़ा था, वो हाँ? बोला कि आप कमल में वोट देना। हाँ? अब जिसको जहाँ देना है, कहाँ कौन किसकी पार्टी का है कौन नहीं है, हाँ? तो मतलब हम तो आके बाहर बताया। वीडियो देख लिया आपने, इस महिला का नाम श्रीमती उर्मिला बताया जा रहा है, जो इस वीडियो में बता रही है कि कैसे मैं जब वोट डालने के लिए पहुंची तो एक शख्स ने बताया, जबरदस्ती किया इनके साथ, कि भाजपा को ही वोट डालो, जिसको लेकर ये वीडियो समाजवादी पार्टी ट्वीट करते हुए भाजपा के ऊपर तंज कसती है और कहती है, हरास और निराश होकर भाजपा इस तरीके से वोटरों का वोट खराब कर रहे हैं, उनका वोट खरीदने का काम भी कर रहे हैं। मामला जो है वो कानपुर का बताया जा रहा है, जहां पे श्रीमती उर्मिला नाम के एक वोटर ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा को वोट डालने के लिए धमका रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें ये मामला जो है वो देखने को मिला कि कैसे बीजेपी के लोग जो है वो जबरदस्ती लोगों को धमका कर वोट डालने के लिए कह रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं यूपी निकाय चुनाव को, और उस दरमियान जो आपको ये मामले देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।